पान के जैसे दिखने वाले ये पत्ते औषधि के वे वरदान हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ बना सकता है। इन पत्तों में आपके शरीर के हर अंग को स्वस्थ बनाने की ताकत है जो सैकड़ों रोगों को ठीक करने में कारगर है। और आजकल कोरोना के दौर में आपने इसका नाम सुना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिलोय की। गिलोय एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जो सभी तरह की मर्ज की दवा है। गिलोय हर तरह के रोगों से निजात दिलाता है। इसके पत्तों और डंठल में फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। आइए जानते हैं गिलोय से होने वाले चमत्कारी फायदे। बुखार उतारने से लेकर जोड़ों का दर्द दूर करने में निजात दिलाता है। सर्दी, खांसी, जुखाम की समस्या को दूर करने में बेहद फायदेमंद है। गिलोय और पपीते के पत्ते का रस लेने से खून प्लेट्स की संख्या बढ़ती है। गिलोय आँख से संबंधित सभी प्रकार के रोगों से निजात दिलाता है। गिलोय से शरीर में पैदा होने वाली वात पित्त से छुटकारा मिल जाता है। गिलोय का जूस या काढ़ा रोज पीने से डाइजेशन और बीपी सही रहता है। मोटापा को दूर करने में बेहद कारगर है गिलोय। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो उन्हें गिलोय का सेवन करने की सलाह दी जाती है। गिलोय का पौधा भारत में हर जगह पाया जाता है। गिलोय एक ऐसा पौधा है कि जिस पेड़ पर अपना फैलाव करता है उसके आयुर्वेदिक गुणों को अवशोषित कर लेता है। आइए जानते हैं कि गिलोय का पौधा कैसे लगाएं। गिलोय लगाने के लिए बीज या इसके तने का इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय के बीज को 1 घंटा पानी में भिगो दें। गमले में मिट्टी, खाद और मोरंग के मिश्रण की 2 से 3 इंच मोटी परत लगाएं। बीज बोते समय 2 से 3 इंच का फासला रखें। हल्के पानी का छिड़काव कर दें। पौधे निकल आए तो दूसरे गमले में लगा दें। फसल के तौर पर इसे तैयार होने में करीब 10 महीने लगते हैं। गिलोय को सर्दियों को छोड़कर किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। फरवरी, मार्च या जुलाई, अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।